बहुत बहुत स्वागत है फ्री बर्ड ड्राइव वर्जन 5 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रीन प्रोटेक्शन फोर्स न्यू दिल्ली से हम लोगों ने अपनी ड्राइव स्टार्ट की थी लास्ट ईयर अक्टूबर में। जैसा आपको मैं हर बार हर ड्राइव में बताता हूँ, इसलिए जिससे कि आपको हमारी जर्नी, जिसमें आप लोग हमेशा हमारे साथ हैं, उस जर्नी के बारे में पता रहे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाने की पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी 5th ड्राइव है। हमने अक्टूबर 2022 में स्टार्ट की थी अपनी ड्राइव 2nd अक्टूबर, जिस दिन शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन होता है, और आज हमारी ये 5th ड्राइव तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अप्रैल इस समय चल रहा है, अप्रैल आज 3rd अप्रैल है, और आज हम लोग आपको लेकर आए हैं दिल्ली के DDA गुलमोहर पार्क में, जो कि साउथ दिल्ली में स्थित है। यहाँ से अगर आप लोग अब भी आना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जस्ट सिरी फोर्ट के सामने और निफ्ट के सामने हैं, इसके इन बिटवीन ये पार्क है DDA पार्क, गुलमोहर पार्क, और यहाँ पर येलो लाइन ग्रीन पार्क स्टेशन नियरेस्ट है। बाकी अप्रैल का महीना बहुत ही खास होता है, खास इसलिए होता है क्योंकि पूरी तरह फेस्टिविटी से भरा हुआ होता है। आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कल से शुरू हुए नवरात्रे जो कि अभी 9 दिन चलेंगे, आज से शुरू हुआ है रमजान का पाक महीना, रोजे शुरू हो गए, और अभी 15 अप्रैल को हम लोग मनाने वाले हैं गुड फ्राइडे। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ मिलता है हमारे इंडिया में, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यानी कि नवरात्रि, रोजे और गुड फ्राइडे सब एक साथ, गुड़ी पर्व अभी कल ही सेलिब्रेट किया सभी ने, तो इसी के साथ हम भी अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं हर मंथ की तरह। इस बार भी इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिपेंडेंस डे हर महीने आता है, हमने आपसे हमेशा कहा, क्योंकि हम लोग हर बार हर महीने कोशिश करते हैं बिना किसी ब्रेक के हर महीने अपने पास उन्हें लेकर आए जो अपनी फ्रीडम का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि हमारे प्यारे बर्ड्स, वो बर्ड जो कि कहीं ना कहीं पिंजरों में कैद हैं, किसी दुकान में, किसी के घर में, या कहीं भी किसी भी तरह किसी बंधन में हैं। हमारा टारगेट है उनको लाना, उन्हें आज़ाद करना, और इस आज़ाद पंछी, उन आज़ाद पंछियों को इस आज़ाद गगन में आज़ाद कर देना हमेशा हमेशा के लिए। इसी टारगेट को लेकर हमने शुरू किया था 2 अक्टूबर 2022 को अपना 2021 को ये फ्री बर्ड ड्राइव। शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, पहला वर्जन था हमारा 2 अक्टूबर को, जिस दिन हमने 6 बर्ड्स उड़ाए थे, इसी पार्क से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 21 नवंबर को हमने अपनी 2nd ड्राइव की थी, जिसमें हमने 56 बर्ड्स को फ्री किया था। 26 दिसंबर 2021 को हमने 103 बर्ड्स को उड़ाया था, और फिर हमारी 4th ड्राइव जो कि 13 फरवरी को हुई थी, इसके अंदर हमने 100 बर्ड्स को उड़ाया। आज हमारी है 5th ड्राइव, और हमें ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग कल और आज पूरा मार्केट को सर्वे कर रहे थे, जगह जगह बर्ड्स को ढूंढ रहे थे, तो कमाल है कि इस समय बर्ड्स कहीं नहीं मिल रहे, बहुत कम मिल रहे हैं। जहां हम लोगों को इतनी तादाद में बर्ड्स पिंजरों में कैद मिलते थे पिछले 2 दिनों में, और अपने इस 1 हफ्ते के सर्वे में हमें बहुत कम मिले, जो एक अच्छा साइन है कि शायद बर्ड्स अब पिंजरों में कैद होना कम हो गए हैं, या फिर किसी ना किसी वजह से अब उन्हें पकड़ा नहीं जा पा रहा, विच इज़ अ गुड साइन। और बड़ी कोशिश से हम लोगों ने ढूंढ कर, हमारा टारगेट था कि इस बार हम लोग करीबन सेंचुरी, जो कि हम लोग पिछली 2 बार से मार रहे हैं, आज भी हम सेंचुरी लगाएं, लेकिन हमें खुशी हुई कि हमें बर्ड्स पिंजरों में मिले ही नहीं, बहुत कम मिले, इसलिए आज हम लोग 41 यानी कि 41 बर्ड्स ही अरेंज कर पाए, लेकर आ पाए। बाकी इस बीच भी हमने अपने जो हमारी सोशल मीडिया है उसके ऊपर हमने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके साथ शेयर किया था कि कुछ लोगों ने अपने घरों से कैद पंछियों को उड़ा दिया था। पिछली बार हमने कुछ फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस भी करवाया था, और हमें हमेशा हम आपसे कहते हैं यदि आप भी ऐसी कोई पहल करते हैं तो प्लीज़ हमें बताएं, हम लोग अपने सोशल मीडिया पेजेस पर आप लोगों के साथ, आप लोगों की स्टोरीज को सभी के साथ शेयर करेंगे, सभी को बताएंगे और एनकरेज करेंगे कि वो भी आगे आएं और ये काम करें। फ्री बर्ड सिर्फ एक उद्देश्य है, इसके नाम से ही पता चलता है, फ्रीडम ऑफ बर्ड्स। वो बर्ड जिन्हें कहीं भी कैद में रखा गया है हम उन्हें अरेंज करते हैं, चाहे हमें उन्हें खरीद कर लाना पड़े या उन्हें रिक्वेस्ट करके, उन लोगों को समझाकर, उन्हें ये समझाकर कि क्यों किसी को कैद में रखा जाए, हम लोग यहाँ लाते हैं और यहाँ से उड़ाते हैं। हमारा टारगेट हमेशा से यही रहा है, पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन अभी मैं आपका ज़्यादा समय, ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए हम लोग अभी सीधा अपना पहले वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और फिर हम आपको अपनी बाकी बातें बताएंगे। हमें बहुत खुशी, हमारी पहली ड्राइव जब हुई थी 2 अक्टूबर 2021 को, तो हमने 6 बर्ड्स को उड़ाया था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ इस काम में सबसे पहला सहयोग जो हमें मिला था वो एक बहुत ही प्रख्यात व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिनका अपना एक नाम है, जिनका एक ऐसा काम है जिसे हम सभी फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं थिएटर एक्टर हूँ, मैं फिल्म्स करता हूँ, एक्ट करता हूँ, और मैं हमेशा उन्हें देखता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी फिल्मों के नाम, लव आजकल, बैंड बाजा बारात, द स्काई इज पिंक, उजड़ा चमन, सरदार का ग्रैंडसन, और बहुत सारी फिल्में, और थिएटर का तो नाम मैं क्या लूँ, क्या क्या महान प्ले, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जिनका नाम हमेशा से जुड़ा रहा है, और आज हमारी ड्राइव 1 के बाद आज ड्राइव 5 में भी हमारे साथ बिना किसी
एक भी आग्रह के सीधा उन्होंने, मैंने उन्हें बोला कि मैम हमारी ड्राइव 5 है, क्या आप आना चाहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आती हूँ, क्यों नहीं आऊंगी। तो मैं आपके सामने बहुत ही सादर के साथ आमंत्रित करता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से श्रीमती निरुपमा वर्मा जी को। मैम थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और आप अभी भी मैम के शूटिंग शेड्यूल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि फ्री बर्ड है तो मैं आऊंगी। ड्राइव 1 भी आपके आशीर्वाद से स्टार्ट हुआ था मैम, हमें बहुत खुशी है। तब आपने 6 पंछियों को उड़ाया था, उसके बीच में हम लोगों ने आपको, मैं आपको एक शॉट में नंबर बताता हूँ, 6 के बाद हमने 56, 56 बर्ड, देन 103 बर्ड, देन अगेन 100, और आज हमें 100 का टारगेट था। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा है कि पिंजरों में पक्षी नहीं मिले, फिर भी मार्केट में जितने पक्षी थे आज हम लोगों को करीबन 5 दुकानों से टोटल करके ही 41 बर्ड्स मिले। क्योंकि हम ये भी ध्यान रखते हैं, हम वही बर्ड्स लेकर आए जो कि इस एटमॉस्फेयर में, इस एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई और पक्षी ही उन्हें मारकर खा जाए या फिर कोई एनिमल या लोग उन्हें पकड़ लें, ऐसा कुछ ना हो, हम लोग ये बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमने उन्हीं बर्ड्स को आज भी हम पैरट्स लेकर आए हैं, 41 पैरट्स हैं जो कि रेडी टू फ्लाई हैं। अभी तक ये पिंजरे में थे, लेकिन अब ये बस मैम इनको आज़ाद करने वाली है आपके सामने। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले हमारी टीम को कि मैम को पहले एक बर्ड्स का वो शुरू करें, थोड़ा ये वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला केज, पहला पिंजरा आ रहा है आज़ाद होने के लिए। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे जो 41 बर्ड्स आज थे, जैसा मैंने बताया हमारा टारगेट था कि आज भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बर्ड्स लेकर आए, लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट में ज़्यादा बर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, तो आज हमें 41 बर्ड्स अरेंज हुए बहुत सारी जगहों पे घूमने के बाद, वो सभी हमने आपके सामने आज़ाद किए। अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ निरुपमा मैम को कि प्लीज़ एक बार वो कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें उनकी फीलिंग के बारे में और हमें अब गाइड करें आगे के लिए। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई थी, आप हमारी ड्राइव 1 के वीडियो में देख सकते हैं। आज फिर निरुपमा मैम, लेकिन हमारे को इसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में कि ये 2022 में 122 साल के बाद इतनी घनी गर्मी पड़ी है मार्च के महीने में, आफ्टर 122 ईयर्स। सो आप सोच सकते हैं कि हम किधर को जा रहे हैं। तो सिर्फ यही बर्ड्स नहीं हैं, जो बहुत सारे बर्ड्स जो स्पेशली जैसे गुरैया वगैरह ख़त्म हो गई है, तो हमें हर स्पीशी को देखना पड़ेगा कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जब तक उसे बचा सकें। अल्टीमेटली तो कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज एवोल्यूशन का फॉर्मूला है कि कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, और सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट तो हम इंसान ही होने वाले हैं। और कुछ सालों में, कुछ हज़ार सालों में या 2000 सालों में इंसान ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुदरत रहेगी and it will revive itself. सब कहते हैं ना, nature will die, nature will not die, human beings will die but the nature will survive in another kind of format, एक और रूप में सर्वाइव करेगी। तो हम सबको अगर अपने आप को भी हमें सर्वाइवल रखना है, हमारा भी, तो हमारे को बाकियों का सर्वाइवल भी चाहिए, पेड़ पौधों का, सब नेचुरल रिसोर्सेज का, पानी का, समुद्र का, नदियों का, सबका, जो कि हम ख़त्म कर रहे हैं सबको जानते पूछते हुए भी। तो प्रोग्रेस डज नॉट मीन किलिंग थिंग्स एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेस मीन्स को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर, बोथ द नेचर एंड ह्यूमैनिटी एंड द वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। सो अगर हम वो कर लेंगे तो शायद हम ज़्यादा साल जी लेंगे थोड़ा हम सब लोग। सो हमको सब अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो अगर सब करेंगे तो फिर क्यों नहीं होगा, सब ठीक होगा, बस यही कहना।
थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. अभी मैं हमेशा हम लोग अपना एक नेचर, मैम ने जिक्र किया नेचर का, और हम लोग सभी काम टूवर्ड्स नेचर ही करना चाहते हैं और कर रहे हैं. कहते हैं ना प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है. कुछ शब्द होते हैं जैसे प्रकृति बहुत ही दयावान है, धनवान है और साथ ही दयावान भी है. इतनी चीज़ों से धनवान है और दयावान इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ देती है, हमसे लेती कुछ भी नहीं. तो हम लोग वही नेचर का एक बहुत बहुत एक अंश मात्र आपको भेंट करना चाहेंगे. आदरपूर्वक ममता निशा सभी पूजा. थैंक यू. ये तो बड़ा यूजफुल पौधा है. थैंक यू सो मच निरुपमा मैम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से कि उन्होंने हमेशा की तरह हमें फिर से अपना समय दिया. और हमेशा से वो कहती हैं कि जो आप लोग कर रहे हो वो हमें हमेशा इनकरेज करती है कि और बड़ा सोचो. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, आप जब भी कुछ सोचें, जब भी आप कुछ करना चाहते हैं ना जीवन में, कभी भी थोड़ा मत सोचिए, थोड़े से स्टार्ट कीजिए. कम से हम बहुत बड़े की तरफ जाते हैं, लेकिन सोच अपनी बड़ी कीजिए. बड़े किसी दायरे के बिना सोचिए, कभी भी किसी एक बाउंडेशन में रह के मत सोचिए. जितना बड़ा सोचेंगे, जितना विशाल सोचेंगे, आपकी सोच के अनुसार ऊपर वाला आपका साथ देगा, और शायद इतना नहीं तो इतना आपको मिलेगा. लेकिन अगर आप सोचेंगे इतना तो शायद आपको फिर इतना मिलेगा. इसलिए बड़ा सोचिए, विशाल सोचिए, और बड़ा काम करने का सोचिए. हम तो कुछ भी नहीं है प्रकृति के आगे. हम लोग सच में, मैंने कहा अंश मात्र भी मैं कहूँ तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन हम लोग अपनी सोच के अनुसार कुछ भी ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ अच्छा होने की कोशिश हो जाएगी. अभी मैम ने आपके जैसा आपसे जिक्र किया कि 122 साल बाद इतनी भारी गर्मी पड़ने वाली है दिल्ली में, जो शुरू हो चुकी है अभी तक. हाँ मैम, अगर आपको सिर्फ अभी हम दिल्ली का हाल बताएं, क्योंकि हम लोग दिल्ली से आपके साथ जुड़े हैं. आप लोग जिस भी शहर में हैं, जिस भी देश में हैं, बाकी देशों का हमें नहीं मालूम, बाकी शहरों का नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली में इस समय सच में वो गर्मी है जो कि मई जून में हम लोगों को मिलती थी. लेकिन आज अभी मार्च और अप्रैल, अभी मार्च करीबन 15-20 से हम लोगों को इतनी गर्मी शुरू हो चुकी थी जो मई जून को बीट करने लगी थी. तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ अपनी अपनी छतों पर पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें. बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको, मुश्किल से 40 या 50 रुपये का आपको मार्केट से एक प्याला मिलेगा. अगर आपको वो भी नहीं लेना तो कोई बाथ टब हो सकता है, उस टब को ले लीजिए जो आप यूज़ नहीं करते. कोई बड़ा प्याला, कुछ भी ऐसा, उसे लीजिए. उसके अंदर पानी भर के अपनी छत पे रखिए. आप खाने के लिए चाहे मत रखिए, एक बार के लिए पानी रख दीजिए. आपको पता है ना, जब हम भी कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें खाने से ज़्यादा पानी की तलाश होती है. किसी शॉप पर हम लोग ये नहीं पूछते कौन सा जूस है, पहले हम पूछते हैं पानी है. क्योंकि सबसे पहली जरूरत, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी पहली जरूरत है पानी. जल है तो जीवन है. तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि प्लीज़, मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, और पशु पक्षी ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होते हैं. इसलिए क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, जो लोग गाँव में या जंगलों में हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोगों के लिए इंतज़ाम होता है. जैसे कि आप लोग कभी गांव में जाते होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर हौदी बनी होती हैं जिसके अंदर पशु पक्षियों के लिए पानी होता है, उनके नहाने तक के लिए पानी होता है, इतने बड़े हौदियाँ बनी होती हैं. लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में तो हमारे पास घड़ा रखने की जगह नहीं है, तो हम हौदियाँ तो कहाँ बनाते हैं. लेकिन दिल में जगह हो सकती है. तो इसलिए अपनी बालकनी में, छत पर, कहीं पर भी जहाँ आपको अवेलेबल हो, सुइटेबल हो, वहाँ पर पानी के लिए कुछ ना कुछ रखिए, जिससे कि पक्षी आए और वो पानी पी सकें. क्योंकि वो भागते हैं, दौड़ते हैं, उनके लिए पानी की उनको बहुत ज़रूरत होती है. और कई बार बहुत सारे पक्षी, अगर आप सर्वे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे पक्षी सिर्फ पानी की कमी से, पानी ना मिलने के कारण मर जाते हैं. और ये बहुत ही आम है, बहुत आम. लेकिन इस बात को हम लोग खत्म कर सकते हैं यदि हम थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करें. जो पक्षी छाया में बैठे हों, कृपया उन्हें ना उड़ाएं. आपके घर के एसी के नीचे बैठे हैं, आपकी बालकनी के नीचे बैठे हैं, आपके कपड़े सूख रहे हैं उसकी छाया में बैठ गए हैं, आपकी छत के किसी झरोके में बैठे हैं. हम भी जब बाहर निकलते हैं, हम लोग यही सोचते हैं, देखिए मैंने, हमने जो ये सेटअप किया, हमने देखा कहाँ पेड़ है, हम उसके नीचे खड़े हो जाते हैं. धूप है लेकिन क्योंकि ये छन कर आ रही है इसलिए हमें लग नहीं रही, चुभ नहीं रही. उसी तरह पक्षी भी यही ढूंढता है कि मुझे कहीं बैठने की जगह मिल जाए. तो अगर वो कहीं आपको छाया में बैठे हुए दिखते हैं तो बस छोटा सा अनुरोध है, आप उन्हें उड़ाए मत, क्योंकि वो भी आपकी और मेरी तलाश में, इतना ही तलाश में थे छाया की. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी रिपोर्ट मैंने आपके साथ पहले भी एक बार साझा की थी कि उनके अनुसार 7291 मीन 7291 बर्ड्स की प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुकी हैं. जिसके अंदर बड़े दुख की बात है कि गौरैया, यानी कि हमारी स्पैरो, जो कि आजकल आपको देखने नहीं मिलती, वो भी ऐड हो चुकी है, वो भी खत्म होने के कगार पर है. अभी हमारी बहुत कोशिश है कि कहीं से हम इस तरह लोगों से जुड़ें जो कि हमें गौरैया
पता करें कि कहाँ से हमें मिल सकती हैं और हम उनको वापस से दिल्ली में लाना शुरू करें, दिल्ली में छोड़ना। अभी हमने छानबीन की थी तो हमें पता चला कि छतरपुर के एरिया में उस साइड में अभी भी गौरैया देखी जाती है। कुछ लोगों ने हमें फोटोज खींच कर भेजे कि हमारी छत पर तो आज भी आती है। तो हमें लगता है यानी कि छतरपुर का माहौल और यहाँ इधर साउथ दिल्ली में इस तरफ का माहौल में भी फ़र्क आ गया। यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर उनके बैठने खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो इसलिए यहाँ पर वो बहुत जल्दी मर जाती हैं। आप लोग देखेंगे आजकल जो बर्ड्स की शॉप्स होती हैं जहाँ पर केजेस वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर आप केजेस मत खरीदिए, लेकिन आप वहाँ से घोंसले खरीद सकते हैं। वहाँ पर बने बनाए घोंसले आजकल बिकने लगे हैं। जब अभी हम बर्ड्स लेने जाते हैं तो हमने देखा है वहाँ पर, बल्कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सिर्फ बर्ड्स के लिए घोंसलों के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग मैन मेड घोंसले होते हैं वो, लेकिन उन्हें पक्षी बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उनके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, उसमें रहते हैं, अपनी ब्रीडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप लोग चाहें तो मुश्किल से वो, मैं आपको कीमत भी बता देता हूँ, 50 रुपये से स्टार्टिंग है उनकी कीमत करीबन, और वो 300, 400, 500 तक जाती है। इट डिपेंड्स कि आप कैसा लेना चाहते हैं। अगर आप हर्ट शेप में मिट्टी वाला लेना चाहते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप जूट से बना हुआ लेंगे तो वो हल्का, सस्ता और बहुत ईजिली कहीं पर आपको हैंग करने के लिए जगह भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होगी। गौरैया, हमारी बहुत कोशिश है कि हम कहीं से ऐसे लोगों से जुड़े जो वापस से दिल्ली में हमें गौरैया देखने को मिले। हमारे जो ऑलरेडी फ्री बर्ड मैंने आपको हर बार बताया, और हमारे आप सोशल साइट पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप लोग हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे एक मेंबर हैं मिस्टर मनमोहन प्रसाद, उनसे भी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी। हमारे मेंबर प्रदीप कपियाल जी हैं, उनके मित्र हैं वो, और क्योंकि ये भी उत्तराखंड से हैं इन्होंने उनको हमारे साथ जोड़ा। मनमोहन प्रसाद जी ने बड़े सुंदर व्यक्त किया अपनी भावनाओं को, तो हमने कहा आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उन्हें एक बार हमें भेजिए, हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। तो उन्हीं भावनाओं को आपके साथ एक कविता के रूप में पंक्ति युक्त बद्ध करके हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कि हमारे भाव क्या हैं। ये पूरी फ्री बर्ड ड्राइव का भाव है। हमारी फाउंडर मेंबर ममता शाह से मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ आपके सामने उनकी वो छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करें। सृष्टि की रचना अप्रतिम, खेल के साधन नहीं है, मधुर गुंजन विहग है, हम दास मानव धन नहीं है। वृक्ष शाखों पर प्रफुल्लित कब किसी से भवन मांगा, मधुर कलरव रस बिखेरे श्रम न पोषण भरण मांगा। सृजन सुर लहरी के नायक मनुज का भोजन नहीं है, मधुर गुंजन विहग है, हम दास मानव धन नहीं है। स्वर्ण पिंजर में सुसज्जित सुख की अभिलाषा नहीं है, पराधीन ऋण से संरक्षित फल की जिज्ञासा नहीं है। मूक शून्य से नेत्र क्या ये रुदन का क्रंदन नहीं है, मधुर गुंजन विहग है, हम दास मानव धन नहीं है। छत्र अंबर विटप पल्लव जीव का दुख जानते हैं, पुष्प फूलों से भलाकब स्पर्श का सुख मांगते हैं। प्रकृति की प्रवृत्ति है यह प्रेम का बंधन नहीं है, मधुर गुंजन विहग है, हम दास मानव धन नहीं है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं मनमोहन प्रसाद जी को कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में अपनी इस कविता को पंक्तिबद्ध करके हमें दिया। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोगों के भी दिल में अगर ऐसी बातें आती हैं, प्लीज आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर हमें शेयर कीजिए, चाहे अपने वीडियोस बनाकर शेयर कीजिए। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हम वीडियो बाइट्स को शेयर करते हैं अपने सोशल साइट्स पर, तो आप लोग भी अगर कुछ लिखते हैं या कुछ महसूस करते हैं कोशिश कीजिए कम से कम शब्दों में उन्हें, करीबन अगर एक मिनट में अगर आप उसे कैद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो ज्यादा बड़ा वीडियो भी होगा तो हमें शेयर करने में कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। हमारी यंग जनरेशन, हमेशा हम कहते हैं यूथ, इधर जो ये छोटे बच्चे हैं जहां भी मिले हम इन्हें कहते हैं कि आप लोग आइए, इनके हाथों से पक्षियों को उड़वाइए, और ये क्या महसूस करते हैं वो मैसेज अगर आगे गया तो मैं आपसे पूरे पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ये समझ गए ना इस फ्रीडम के महत्व को, स्वतंत्रता के महत्व को, कोई पक्षी कभी बंधन में नहीं होगा, कहीं भी कोई कैद में नहीं होगा। आप लोगों को अच्छा लगा? Yes, sir. मजा आया? गुड। अब कभी कोई पक्षी कहीं भी दिखे उसे आदत करना, ठीक है? तो आपके यहाँ भी जो भी बच्चे हैं उनको प्लीज़ हमारे वीडियोस दिखाया कीजिए, हमारी फ्री बर्ड ड्राइव जब भी होती है उसमें लेकर आया कीजिए। अभी एक छोटा बच्चा वो भी हमारे साथ एक छोटी सी कविता देना चाहता है, हमारा यंग मेंबर राघव गुप्ता। मास्क हटाओ। आज मैं सबके सामने निधि अग्रवाल लिखित एक कविता पढ़ने वाला हूँ। ओ चिड़िया पेड़ों पर कूदती है कभी और कभी पानी में नहाती, कभी तो पंखों को फैलाकर अपने दूर आसमान में उड़ जाती है। ओरी चिड़िया ओरी,
क्या डरती हो मुझसे, पास क्यों नहीं आती? अगर मैं पास तुम्हारे आता, झट से क्यों आसमान में उड़ जाती? ओरी चिड़िया, ओरी चिड़िया, शायद ये पेड़ और पक्षी ही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, इसलिए तो ये प्रकृति ही तेरे मन को भाती। धन्यवाद। सच बात है, कभी आपने नोटिस किया है कि पेड़ के ऊपर बैठते हुए चिड़िया या पक्षी घबराता क्यों नहीं है? आप ऐसे हाथ करके खड़े होइए, क्या वो उसी तरह जितना निर्भीक होकर वो एक डाल पर बैठता है, क्या आपके हाथ पर बैठता है वो? नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर उसे भरोसा नहीं है। उसे डर है कि अभी ये हाथ ऐसे कभी भी ऐसे भी हो सकता है, उसे चकर सकता है, कैद कर सकता है। लेकिन कभी भी कोई पेड़, कोई टहनी, कोई डाली कभी उसे कैद नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसे प्रकृति ने कैद करना सिखाया ही नहीं। यदि ऐसा होता तो कभी भी आम का फल आपको आम नहीं देता, वो आम अपने पास रख लेता। प्रकृति आम देती है हमें खाने के लिए, और कमाल की बात यह है हर आम के अंदर एक बीज भी देती है। उसी बीज को आप बोकर फिर से एक नया आम का पेड़ खड़ा कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आम खाने के बाद आप उस बीज का क्या करते हैं, उसे कूड़े में फेंक देते हैं या कहीं मिट्टी में दबा देते हैं? आप एक बार अपने खाए हुए आम या किसी भी फल के बीज को बोकर देखिए, जब उस वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है ना, यहाँ बहुत खुशी मिलती है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं अपने घर में लगभग हर सब्जी या हर जो फल आता है उसके मैं बीज को अपने पौधों में बो देता हूँ, और सच कह रहा हूँ, जब वो अंकुरित होता है, कुछ नया निकलता है, बहुत मजा आता है, दिल को बहुत खुशी होती है। फल तो जब आएगा आएगा, फल की चिंता किए बिना अगर कुछ करेंगे तो कर्म में भी बहुत मजा आएगा। तो ऐसी ही सुंदर भावना के साथ मैं आपके सामने, मैंने ऐसे बताया था हमारे वीडियो बाइट्स, हम कहते हैं आपको एक मिनट के वीडियो बाइट्स में अपना मैसेज आप दीजिए, अपना संदेश दीजिए। क्या आप फ्री बर्ड के बारे में सोचते हैं, या क्या आप नेचर के बारे में सोचते हैं, पशु पक्षियों की आजादी के बारे में सोचते हैं, आप वो वीडियोस हमें भेजिए, हम लोग शेयर करेंगे। तो अभी हमारा एक रीसेंट वीडियो हम कल रिलीज करेंगे, हमारी एक और यंग मेंबर है भूमिका शाह, जिन्होंने अपना वीडियो हमारे साथ शेयर किया है, जो कल रिलीज होगा, आप देखिएगा जरूर। लेकिन अपनी भावनाएं वो यहाँ पर, क्योंकि आई हैं आज ड्राइव में, वो यहाँ भी व्यक्त करना चाहती हैं। भूमिका शाह। Are often captured and put in cages for amusement, but it's a creature that always moves in flocks. So, on being isolated, they suffer from malnutrition and loneliness. Apart from the stress of being confined, they have temper tantrums and mood swings. Being a creature that has such a strong sense of community and independence, life in cages are akin to death. Even if they are confined in bejeweled cages and fed exquisite food, nothing can compare to the freedom they experience in wild. There's nothing more inhuman than denying the right of a creature to be free. Birds are meant to fly with others of their own kind in a natural environment, as they are too a very important part of our ecosystem. So I, Bhumika Shah, invite all the bird lovers to join their hands with Free Bird Drive to save and protect birds. Thank you. Jai Hind. अगर हमारा यूथ में, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग यंग नहीं है, यंग तो हर व्यक्ति है, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ रहा है, वो यंग है, क्योंकि उसके अंदर एक सोच है, कुछ करने की चाह है। जब आपकी वो चाहत खत्म हो जाती है ना, तब आप ओल्ड हो जाते हैं। जब तक वो चाहत आपके अंदर रहेगी ना, कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, कुछ बदलाव लाने की, पॉजिटिव बदलाव, तो आपको वो हमेशा यंग बनाए रखेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक मोटिव मिलता है आगे बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ करते दिखाने का। वही जज्बा है हर व्यक्ति के अंदर, जो बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इसीलिए यंग आप भी हैं, यंग हम भी हैं, यंग पूरी जनरेशन है। लेकिन फिर भी यूथ, वो बच्चा जो स्कूल जाता है या अभी स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या फिर और आगे बढ़ चुका है, लेकिन जिसे समय नहीं मिलता ऐसी एक्टिविटीज़ का, पढ़ाई के अलावा, क्योंकि हम हर वक्त कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं, साथ साथ उन्हें ये भी समझाइए कि नेचर में क्या हो रहा है, क्या है उनके लिए ज़रूरी, किस तरह वो थोड़ा कुछ और अच्छा कर सकते हैं। इसी के लिए हमने आपको, जैसे कि हमने साझा किया था कि इंट्रोडक्शन एंड अवेयरनेस वर्कशॉप हमने स्टार्ट किया हुआ है, आपको हम फिर से बोलते हैं कि अगर आपके यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा ग्रुप है आप लोगों का, कोई एनजीओ है, कुछ भी, जहाँ पर आप चाहते हैं कि फ्री बर्ड वाले आकर आपको, आपकी टीम को कुछ भी अवेयरनेस कर सकें, अंश मात्र भी वहाँ अगर हम लोग कुछ चेंज आपके यहाँ ला सकें, हमारी बातों से आपका कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉई, कोई भी सबॉर्डिनेट, कोई भी है, उसके मन में अगर कोई भी एक अच्छी जागृति आती है, तो हम लोग सच में बहुत धन्य मानेंगे अपने आप को, हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए आप लोग बेझिझक कभी भी चाहते हैं हमें बताइए, हम लोग अपनी आधे घंटे एक घंटे की जो भी वर्कशॉप होगी आपके यहाँ आकर करेंगे, आपके यहाँ बताएंगे। एक और इनिशिएटिव हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो मैं अभी बाय चांस आपको पहले ही बता चुका, वो है
वीडियो बाइट्स के अंदर आप लोग अपना कोई भी व्यू जो आप समझते हैं, आपने कोई चेंज किया, आपने अंदर कोई आप चेंज लेकर आए, तो प्लीज़ उसके वीडियोज़ भी हमसे साझा कीजिए। आपको कैसे भी क्या लगता है, क्या चीज़ है जो पशुओं के हित में करनी चाहिए, क्या चीज़ है जो पक्षियों के हित में करनी चाहिए, या क्या चीज़ है जो प्रकृति के हित में करनी चाहिए। अगर प्रकृति संभल गई ना, तो जीव जंतु हम सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही संभल जाएंगे। अगर प्रकृति में बदलाव आया, क्योंकि अभी आपने देखा जब उत्तराखंड में या कहीं पर भी आपदा आती है, वो आती है डिसबैलेंस होने से। जब मानव का क्या कहें, हस्तक्षेप, उसे छेड़छाड़ कहेंगे हम, जब हम प्रकृति के अंदर अपनी हस्तक्षेप, अपना इंटरफेरेंस ज़्यादा कर देते हैं, तो वहीं प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। और तभी आते हैं कभी कोरोना, कभी कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं पर इतना कुछ होता है कि बस लोग खत्म हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं युद्ध चल रहे हैं, युद्ध भी इसीलिए है क्योंकि उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है, बदल चुकी है। मानव के क्या कहें कि जीवन का उनके लिए कोई महत्व नहीं है, इसीलिए वो युद्ध अभी 35-36 दिनों से लगातार चल रहा है और चलता जा रहा है। एक जिद है, एक जुनून है, बस वही हमें नहीं लाना अपने अंदर। आपके साथ हमने बहुत बार शेयर किया है कि हमारे को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मैसेज कीजिए, उस पे आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ वीडियो बाइट्स के थ्रू जुड़िए, हमारे यहाँ लाइव शोज जब हमारे इवेंट्स होते हैं आप इसमें आइए, इसमें हमारे साथ जुड़िए। जिस भी तरह से आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़कर ये बदलाव लाने में कोशिश कर सकते हैं, तो प्लीज़ जुड़िए। हमने आपसे कहा था कि सेलिब्रेट योर स्पेशल डेज विद अस, तो मैं एक बार आपके सामने वो नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने अपने इन स्पेशल डेज को, इन सेलिब्रेशंस को फ्री बर्ड के साथ साझा किया, क्योंकि प्रकृति से बढ़कर तो कुछ नहीं। तो मैं हमारी पूरी टीम की ओर से इन सभी को शुभकामनाएं देते हैं इनके उन स्पेशल डेज के लिए जो उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट किए थे। कुछ मैं नाम आपके सामने वो लेना चाहता हूँ और सभी को विश करना चाहता हूँ, अगर वो अपना सेलिब्रेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उन सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं हम देते हैं नीलभ गुप्ता, ये तो आए भी हुए हैं यहाँ पर, नीलभ गुप्ता, इनका अभी बर्थडे था जो इन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट किया। हमारे यंग मेंबर हैं और हमेशा एक्टिव, वो अभी ब्रोशर्स बच्चे कहीं बांट रहे हैं, वो उसमें बिजी रहते हैं। आराध्या मेहरा, ये आज यहाँ पर नहीं है, ये भी हमारी फ्री बर्ड ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी बिटिया हैं, इनका भी बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट किया गया। मिस्टर प्रदीप कपटियाल, ये हमारे ग्रुप मेंबर भी हैं और फ्री बर्ड को मैं कहूँगा इन्होंने ही उत्तराखंड तक पहुँचाया है, इसका श्रेय तो पूरी तरह इनको जाता है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो आप और मोहिता जी, आप लोगों ने, आइए आइए प्लीज़, आप दोनों ने बहुत सारे लोगों तक फ्री बर्ड को पहुंचाया और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ पौड़ी, देहरादून, सभी जगह से आज हमारे साथ लोग लगातार जुड़ रहे हैं। अभी कल भी इन्होंने एक मेंबर को हमारे साथ परसों ऐड किया है जो वहीं से हैं, और वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर ही रहे हैं जो वो तो ऑलरेडी प्रकृति की गोद में है, तो हम जो उस प्रकृति से थोड़ा दूर हैं जब उनसे जुड़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी उत्साह और बढ़ता है। तो आपको दिल से धन्यवाद और आपके जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। सुहानी श्रीवास्तव, उन्होंने भी अपने जन्मदिन पर हमारे साथ सेलिब्रेशन किया। मिस्टर तरुण गुप्ता, मेरे बड़े ब्रदर भी हैं, उनका भी बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था। रीना गुप्ता, हमारी फाउंडर मेंबर, इनका जन्मदिन आने वाला ही है और ये तो हर महीने सेलिब्रेट कर रही हैं हमारे साथ। हमारे एक और ग्रुप मेंबर जो इस समय दिल्ली में नहीं है, हमारे फाउंडर मेंबर राहुल ठाकुर, उनका जन्मदिन भी आने वाला है और वो अभी मुंबई में है, इसलिए वो आज ड्राइव ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरी यकीन है मेरा कि वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तो उन्हें भी हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता शाह, ये भी हमारी फाउंडर मेंबर हैं, इनका भी जन्मदिन अभी 24 तारीख को आने वाला है, रीना जी का 11 तारीख को है, राहुल का 22 तारीख को है। अब मैं वो टीम, उनका नाम लेना चाहूँगा इसके बाद जो कि हमारे वो लोग जो हर ड्राइव के लिए कारण बनते हैं, और उससे पहले मैं एक बार अनुरोध करूँगा, राजीव छाबड़ा जी आज भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, हर बार हर ड्राइव में हमारा पूरा सहयोग देते हैं और उनकी डॉग ड्राइव भी मैं कह रहा हूँ कि पिछले महीनों में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने डॉग्स के लिए बहुत काम करते हैं, हमेशा उनको फीड कराने के लिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ के वो बर्ड्स के लिए भी काम कर रहे हैं, तो अभी उन्होंने भी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि और भी ज़्यादा बच्चों को वो फीड करवा पा रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि वो साथ आएँ यहाँ पर। और उनकी माता जी जो हमारी ड्राइव की हमेशा मेंबर रही हैं, अभी उनका भी जन्मदिन मैंने पिछली ड्राइव में अनाउंस किया था और आज आंटी स्पेशली गाजियाबाद से यहाँ अटेंड करने आई हैं ड्राइव, तो आप भी साथ आइए भैया के, प्लीज़ आप दोनों के लिए ताली। कुछ पहले आंटी के लिए जोरदार ताली। सबसे पहले तो यही मेरी इंस्पिरेशन है हर चीज़ के लिए। मेरा एक सिर्फ छोटा सा एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस,
कि अभी मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं और बड़े जितने भी एज के ग्रुप्स के लोग होते हैं, उन सबको ना स्ट्रेस और टेंशन और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। उसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि हम क्यों नहीं उसे ठीक कर पाते। अभी हम जो पूरे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं ना, एक बार्टर सिस्टम में जी रहे हैं, इन ए वे कि हमें अगर कुछ अच्छा काम करना है तो अच्छे काम के रिजल्ट में भी हमें अच्छा चाहिए, तो वो गिव एंड टेक है, वो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहा कि वो करना ज़रूरी नहीं है, वो भी करिए, पर वो करने के साथ साथ उसमें सुकून नहीं है, क्योंकि उसमें हम एक्सपेक्टेशंस लेवल अपना इतना हाई कर लेते हैं कि अगर मैंने ये करा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने बच्चों के साथ करा या फैमिली के साथ करा तो मुझे ये सब मिलना चाहिए। पर अगर हमें असली सुकून और दिमाग में शांति चाहिए तो उसके लिए हमें ऐसे कामों से जुड़ना पड़ेगा जिन कामों को करने में हमें रिजल्ट में कुछ नहीं चाहिए, मगर एंड ऑफ द डे जब हम रात को सोचें तो हमारे दिमाग में एकदम से शांति सी हो। अभी मैं एक आध छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। अभी मैं दो दिन पहले अपनी क्लास के लिए पैदल जा रहा था कैलाश कॉलोनी तक, तो एक रिक्शा वाला उसमें इतना सारा सामान लोड करके जा रहा है और उसकी हाइट भी इतनी छोटी, इसमें ओवर साइज शूज़ पहने हुए हैं, तो मैंने कुछ नहीं करा, छोटा सा ही काम करा, ज़्यादा ये मैं अपनी उसके लिए नहीं बता रहा, एक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, कि मैंने उसको सिर्फ हाथ से पुश करके जो सन नगर की ढलान तक पहुँचा दिया वहाँ। जब सन नगर की ढलान पर जाने के बाद उसने साइकिल के ऊपर चढ़ा और वो पैडल मार के जा रहा था, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो सुकून क्या था, क्योंकि मुझे उससे कुछ एक्सपेक्टेशन तो था नहीं कि वो मुझे पैसे देगा या कुछ करेगा। तो इस टाइप के कई चीज़ें होती हैं, एंड स्पेशली मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं या स्कूल में हैं या कहीं पर भी हैं, तो हर जगह का ना एक बॉस होता है। अब जैसे हम सबका बॉस है भगवान, तो भगवान के पास जितने भी नीडी होते हैं, हम तो मंदिरों में भी चले जाते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, सब करते हैं, तो जितने भी नीडी होते हैं वो वहाँ जाके अपनी प्रेयर करते हैं, चाहे वो पक्षी है, जानवर है, इंसान है, पेड़ पौधे हैं, सब लोग प्रेयर करते हैं एक साथ। अब वो एक खुदा, एक परमात्मा, वो सब जगह तो जा नहीं सकता, तो वो हैंड्स क्रिएट करता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम हुई तो हमारी किसी ने मदद करी, पर हमें वो हैंड बनना पड़ेगा उसका, उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। और उसकी गुड बुक्स में आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाएं या प्रसाद चढ़ाएं या दान करें और फिर उसके बाद उन्हें ब्राइब करें कि मैं ये दान कर रहा हूँ तो मुझे ये मिले, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे वो मिले। कहीं पे भी ये एनवायरनमेंट के साथ साथ ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये मॉरल ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद ऐसा नहीं होता कि हमारा परिवार ही सब कुछ होता है हमारे आसपास। हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, पशु पक्षी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अच्छे होने से ही हमारा जीवन अच्छा होता है। तो उसको और अच्छा बनाने के लिए हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम उनके लिए कुछ भी, कहीं भी, चाहे कोई भी ज़रूरत में है, चाहे वो रिक्शा को पुल करना हो या रास्ते में हम जा रहे हैं सड़क पे और हमें दिख रहा है कोई पक्षी गाड़ी ने हिट कर दिया कुछ है, तो उसको रोक के बचाने की कोशिश करना। हम पहले से ही माइंड सेट करके ना हम अपने आप को ईजी वे आउट ढूंढते हैं कि नहीं यार मेरी गाड़ी क्रॉस हो गई, अब दूसरी गाड़ी इस पर चढ़ा देगा, हम कोशिश क्यों नहीं करते। तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए, हमें ये रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए रात को अपनी लाइफ में कि ये मेरे को नीडी मिला या मैं इसकी मदद कर सकता था और मैंने नहीं करी। तो कहीं भी किसी भी चीज़ में, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे जानवर है, चाहे एनवायरनमेंट है, और ये तो दिमाग से निकाल दूँ कि कोई नहीं देख रहा तो मैं यहाँ कूड़ा फेंक दूँ या यहाँ इसको मार दूँ जानवर को या इसके लिए मैं बुरा कर दूँ, आपको सोचो कि कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, आप खुद को देख रहे हो। एंड टेक माई वर्ड्स, जो हमारा कार्मिक अकाउंट है ना, वो जो हमारा बार्टर सिस्टम वाला है, जो गिव एंड टेक है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो सुकून आएगा वो उसी से आएगा जब हम सेल्फलेसली, जिस चीज़ में हमें रिजल्ट में कुछ नहीं चाहिए, अगर हम तब कुछ करेंगे वो तभी हमें वापस मिलेगा और एनवायरनमेंट को भी उतना ही सुंदर तभी बना सकता है। तो थोड़ा 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 रोज़ अगर हम अपने से हट के कुछ सोचें और इन चीज़ों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए और उनके लिए कुछ कुछ काम करें, तो तभी हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो हमें अगर अच्छा सब कुछ चाहिए तो अच्छा करना पड़ेगा, और कोई मंत्र नहीं है इसका। थैंक यू सो मच। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों का नाम जिनकी वजह से आज हम लोग ड्राइव 5 तक पहुंचे। आप लोग हमेशा से हमारे बहुत खास हैं और हमेशा खास रहेंगे। अगर कुछ लोग किन्हीं कारणों से इस बार हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन हम हमारे विशेष और आपका साथ हमारे साथ हमेशा महसूस करते हैं। तो मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो कि ड्राइव 5 तक हमें लेकर आए हैं और हमारे बर्ड्स के नंबर को हमेशा आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग देते आए हैं। सबसे पहले नाम लेता हूं, ऑब्वियसली राजीव छाबड़ा जी, जो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, हमेशा ही कंटिन्यू सपोर्ट उनका रहता है, और बल्कि इनकी वजह से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, दिल्ली नहीं, नागपुर और काफ़ी जगहों से। उनके बाद मैं अनूप जी और पूनम सक्सेना जी आज हमारे साथ यहाँ ड्राइव में भी आए हुए हैं, थैंक यू सो मच अनूप जी। रचना शर्मा सूरत से, ये सूरत में रहती हैं लेकिन हमेशा कंटिन्यूटी में अपना सपोर्ट हमारे साथ रखती हैं रचना शर्मा।
मिस्टर प्रदीप कुमार और मोहिता कप्टियाल जी से मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। प्रदीप जी ने उत्तराखंड में आपकी मित्र हैं सुमन ध्यानी जी। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ी इस महीने से। और सुनीता ठाकुर जी आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र पांडे, योग माया शर्मा, मोहिनी देवी, पंकज नांगिया, शिवम पाठक, पंकज बंसल, आज वो हमारे साथ नहीं आए हैं यहाँ पर, शायद इसी ड्राइव में नहीं आ पाए हैं, उनके बच्चों के एग्जाम्स बता रहे थे वो चल रहे हैं। किरण भाटिया जी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और अभी उन्होंने हमारी ड्राइव ज्वाइन की है, पहले मैं उनके साथ काम भी करता था और उनको उन्होंने जब फ्री बर्ड के बारे में सुना तो उन्होंने हमारी ड्राइव को कल से ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ड्राइव में किरण भाटिया जी। दीपिका सलूजा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, हमेशा सपोर्ट करती हैं। पवन सलूजा जी आपके मतलब हस्बैंड वाइफ हैं और हमेशा ये लोग शुरू से हमारी ड्राइव में हैं और हमेशा हमें साथ देते हैं। सुमित मेहरा अभी वो आज नहीं आ पाए हैं और वो भी हमेशा हमारी ड्राइव में हमारे साथ हैं, बैंगलोर में थे तब भी और दिल्ली में हैं तब भी। लीना कपूर, लीना जी कहाँ है, प्लीज़ कम। जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वैसे लीना हमेशा हमारी ड्राइव में आती रही हमारे साथ और आज इन्होंने ड्राइव में, आज बहुत स्पेशल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इनका यहाँ होना बहुत मायने रखता है क्योंकि इनसे मेरी कल परसों बात हो रही थी। अभी इनके फादर एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में, बीमार चल रहे हैं, एडमिटेड हैं। हमने इनसे बोला भी कि कोई बात नहीं, ड्राइव हो जाएगी, आप फैमिली देखिए। इन्होंने कहा नहीं, मुझे यहाँ ज़रूर आना है। क्यों? क्योंकि कहते कि मैं ये ड्राइव पापा के लिए अटेंड करना चाहती हूँ सो दैट मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके विशेज, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका सहयोग और ये बर्ड जो आज आज़ाद हुए हैं, इन सबकी दुआएं उनको जल्दी ठीक करेंगी, वो जल्दी विल बी बैक होम वेरी सून विद गुड एंड हेल्दी लाइफ, है ना। आवर विशेज आर विद यू एंड योर फैमिली, नॉट टू वरी। आप सभी को हमारी ओर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप लोग यहाँ पर आए हैं। और जो लोग हमें लाइव चाहे इंस्टाग्राम या हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आप सभी को भी हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना समय हमें दिया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ये सहयोग दिया, ये विश्वास दिया, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर किसी का नाम हम अब भी मिस कर गए हो तो हम उसको क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कोई दिल से मत लीजिएगा ये बात, हम अगली बार आपका नाम लेंगे। और प्लीज़ 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 फ्री बर्ड के लिए वीडियोज़ बनाएँ, अपने इनिशिएटिव को हमारे साथ शेयर करें। तो मैं एक बार आप सभी को, हमारे जो भी लाइव हमसे जुड़े हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उन सभी को थैंक यू बोलता हूं। साथ ही हमारी टेक्निकल टीम के अंदर जो हमारे सारे के सारे सहयोगी हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि आप लोग इन्हें भी देखें कि ये लोग हमारी इस टीम में जो लोग हैं, वेव करिए भाई सभी लोग। तो मैं इन सभी को थैंक यू बोलता हूं कि आप सभी लोग हमेशा हमेशा, ये लोग अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ डन करके ये लोग फ्री बर्ड के लिए पहुँच जाते हैं और अभी लगभग सभी का एग्जाम सीजन है। मैं हम लोग कोशिश करेंगे अपनी अगली ड्राइव यहाँ तो हम जल्दी से जल्दी उसको ऑर्गेनाइज करें क्योंकि सभी जगह 10th और 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं। अब बच्चे बिजी होते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली बिजी हो जाते हैं उनकी पढ़ाई में, तो हम कोशिश करेंगे ड्राइव जल्दी करें अपनी सो दैट आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकें। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें, डू ज्वाइन अस। और एक बार हमारा स्लोगन सभी बोलते हैं फिर से, अब तो शायद आपको भी याद हो गया, टुगेदर वी विल एंड वी कैन मेक देम फ्री फ्रॉम केजेस। तो प्लीज बी विद अस। आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद।